किसान भाइयों, अगर इसकी टेक्निकल की बात करें तो इसमें हेक्सीथियाज़ॉक्स 5.45% ईसी जो कि मल्सिफिकेबल कंसंट्रेशन जो कि लिक्विड तरल फॉर्म में होता है किसान भाई, यह ग्रीन लेवल का है जो किसी भी प्रकार के पौधों में नुकसान नहीं पहुंचाता एवं नॉन टॉक्सिक है। किसान भाइयों, अगर इसकी बात करें तो यह एक्समाइट नाम से इंजीन का आता है जिसकी ब्रांडिंग बायोस्टडी करती है मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग, और यह माइटोलिन नाम से क्रिस्टल का आता है एवं डीमाइट नाम से नागार्जुन का आता है, फिर कौन नाम से अडामा का आता है। तो आप किसी भी शॉप पे कोई सा भी मिल जाए तो आप लेकर काम चला सकते हैं, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह एक थाइजोडोलियोन ग्रुप का है जो कि सभी प्रकार की माइट्स को मार देता है लगभग। यह किसान भाइयों स्टमक पॉइजन एक्शन के रूप में काम करता है। स्टमक पॉइजन एक्शन जैसे कि माइट जब पौधों में रस चूसने का काम करेगा या पत्तियों को चबाएगा तो या उसके स्टमक के अंदर चला जाएगा और उसका स्टमक काम करना बंद कर देगा जिससे माइट्स की मौत हो जाएगी। किसान भाइयों, यह ट्रांसलिमिनार एक्शन के थ्रू भी काम करता है जिससे पत्तियों के ऊपर पड़ने पर या क्लोरोफिल के थ्रू किसान भाइयों पत्तियों के ऊपर पड़ने पर या नीचे की पत्तियों तक भी पहुँच जाता है जिससे जो माइट्स एवं कीड़े नीचे की साइड रहते हैं पत्तियों में उसे भी आसानी से यह ख़त्म कर देता है। तो यह बहुत ही एक अच्छा मिटिसाइड बन जाता है इस क्वालिटी के कारण। किसान भाइयों, अगर इसकी बात करें तो यह ओविसाइडल, लार्वेसाइडल एवं निम्फीसाइडल तीनों प्रकार की जनरेशन को ख़त्म कर देता है माइट के। ओविसाइडल मतलब जो अंडे आकार में होते हैं उसे ख़त्म कर देता है एवं लार्वासाइडल जो लार्वा के रूप में हो जाते हैं उसे भी ख़त्म कर देता है एवं निम्फ जो एडल्ट माइट्स होते हैं उसमें यह थोड़ा कम काम करता है। तो किसान भाइयों इसका ध्यान दीजिएगा। एवं यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्ट्रीसाइड है जो कि येलो माइट मिर्च में जो बहुत लगते हैं उसे आसानी से ख़त्म कर देता है। रेड माइट एवं यूरोपियन माइट, टू स्पॉटेड माइट, सभी प्रकार के माइट को यह आसानी से ख़त्म कर देता है जो कि अनार, एप्पल, चाय और मिर्च में बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो यह इसे आप ज़्यादातर माइट जिस फसल में लगती है आप सभी में इसका प्रयोग कर सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवं यह IGR भी है जो कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। किसान भाई, जैसे टॉनिक आती है जो कि PGR के रूप में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसी प्रकार यह IGR है जो इंसेक्ट की ग्रोथ को कम कर देता है, रोक देता है। एवं किसान भाइयों, अगर इसकी डोज की बात करें तो इसे आप डोज के रूप में ले सकते हैं जो कि 200 लीटर पानी में 200 से 250 ml एवं इसे आप 20 लीटर पानी में 30 ml एवं 15 लीटर पानी में 20 ml इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। एवं प्राइस की बात करें तो 1700 से 1800 रुपये में 100 ml की प्राइस में आपको आसानी से मिल जाएगा एवं 100 ml, 250 ml, 1 लीटर सभी प्रकार की पैकिंग में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। एवं किसान भाई, एक ज़रूरी बात, या एडल्ट माइट पर कम काम करता है तो इसका ज़रूर ध्यान दें। तो इसके लिए आप मेड इन के साथ आप इसी कंपनी का या किसी भी कंपनी का डाइफोन्थ्रोन 50% ले सकते हैं जो कि यह डर्बी नाम से है जो कि बायोस्टैड ही बनाती है। इसे दो टंकी में एक पाउच आप उपयोग कर सकते हैं, 25 ग्राम प्रति टंकी भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ आप WDG सल्फर ले सकते हैं 50 ग्राम प्रति 15 लीटर टैंक, 40 से 50 ग्राम जो कि यह न्यूट्री सल्फ है या ये जो थाई न्यूट्री रखा है, कोई सभी सल्फर आपको मार्केट में मिल जाए तो कोई सभी ले सकते हैं। किसान भाइयों, इससे आपको आसानी से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीनों कॉम्बिनेशन को अलग अलग घुलवा कर इकट्ठा मिलवा दें, फिर इसको छिड़काव कर दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। किसान भाई, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बायोस्टैट का मेडन एवं डाइफोन्थ्रोन 50% WP जो कि डर्बी नाम से बायोस्टैट का आता है, पिगासस कोई सभी ले सकते हैं, और ये थाई न्यूट्री रखा है, इन तीनों को कॉम्बिनेशन आप मिलाकर छिड़काव कर देंगे तो माइट बहुत ही आसानी से एवं तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका आप ध्यान दें। एवं अगर किसान भाइयों बात करें तो यह सभी प्रकार के कॉम्बिनेशन में चल जाता है। आप किसी भी प्रकार के टॉनिक, NPK, फंगीसाइड आप इसे किसी भी के साथ उपयोग कर सकते हैं अलग घुलवा कर।
फिर इसका उपयोग कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एवं इसके साथ ही सिलिकॉन स्टिकर भी मिला सकते हैं, जिससे और ही अच्छा रिजल्ट आएगा और पत्तियों के नीचे रहने वाले कीटों भी आसानी से मर जाएंगे। तो आप मेडन को किसी भी कंपैटिबिलिटी के साथ चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।